कहते हैं इश्क और किस्मत पर किसी का जोर नहीं चलता। दोनों ही मामलों में कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तस्वीर में टीना डाबी है और दूसरी तस्वीर में अतहर आमिर है। ये उस दिन की तस्वीर है जब इस साल यूपीएससी का रिजल्ट अनाउंस हुआ था। टीना ने पहली रैंक और आमिर ने दूसरी रैंक हासिल की थी। कहा जाता है कि टीना ने आमिर को हराकर उनसे आईएएस की पहली रैंक जीती थी। लेकिन किस्मत देखिए, टीना रैंक तो जीत गई लेकिन आमिर से अपना दिल हार गई। जी हाँ, साल 2015 के सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप 5 में आने वाले अतहर आमिर और टीना डाबी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। एग्जाम में टीना जहां नंबर 1 थी, वहीं आमिर दूसरे नंबर पर थे। यहीं से उनकी प्रेम कहानी भी शुरू हुई थी। इन दिनों दोनों की मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इनकी मोहब्बत के किस्से सारे देश में मशहूर हो रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। अब जरा सोचिए, एक ही घर में दो आईएएस, वो भी टॉपर, क्या शानदार माहौल होगा। टीना डाबी दिल्ली की हैं और आमिर अतहर कश्मीर के। जी हाँ, उसी कश्मीर के जिसका नाम सुनते ही पत्थरबाजी करती हुई भीड़ की तस्वीर उभर कर सामने आती है। वो जमाने और थे जब कश्मीर का महज नाम सुनकर ही जन्नत के दीदार हो जाया करते थे। लेकिन आमिर अतहर जैसे कुछ नौजवानों ने कश्मीर में तालीम की अलख को जगाए रखा है। जब टीना से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया, 11 मई को हम दोनों की पहली बार मुलाकात नॉर्थ ब्लॉक स्थित डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के दफ्तर में हुई थी। बस वहीं पर पहली नजर में ही हम दोनों को प्यार हो गया। हम सुबह मिले और शाम को अतहर मेरे दरवाजे पर था। अगस्त का महीना आते आते मुझ पर भी उसका जादू चल गया था। टीना और अतहर ने अपने रिश्ते को कभी दुनिया से छिपाया नहीं। फेसबुक पर हमेशा ही दोनों साथ में छुट्टियां मनाने और घूमने फिरने की तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं। टीना कहती हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत खुश हैं। लेकिन जब वो अपने और अतहर के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही कुछ बेहुदा बातों और सवालों को पढ़ती हैं, तो उन पर गुस्सा जरूर हो जाती है। यही वजह है कि उन्होंने अब इस बारे में पढ़ना और सोचना दोनों ही बंद कर दिया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।